और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महिला चिकित्सालय में रेजिडेंट की आत्महत्या से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां हॉस्टल वार्डन बीएस मीणा को कॉलेज प्रशासन ने हटा दिया है। पुलिस और परिजनों के साथ मेडिकल कॉलेज प्रशासन की वार्ता और कल देर रात तक चली वार्ता में परिजनों ने शिकायत की थी। हॉस्टल में अव्यवस्थाओं को लेकर ये शिकायत की गई थी और जिसको लेकर अब एक्शन भी देखने को मिला है। फिलहाल खबर ये कि हॉस्टल वार्डन बीएस मीणा को कॉलेज प्रशासन ने हटा दिया है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास शर्मा जुड़ गए हैं। विकास, क्योंकि दबाव काफी ज्यादा था और इसीलिए एक्शन भी अब ले लिया गया। देखिए, ये जो कार्रवाई है, ये कल देर रात तक परिजनों के साथ वार्ता की गई। वार्ता में ये चीज सामने आई थी कि अस्पताल जो है उसमें जो हॉस्टल है उसके अंदर कई तरह की अनियमितताएं सामने आई थी, साथ ही कुछ अव्यवस्थाएं भी थी। इसको लेकर जो छात्राएं थे उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। उसके बाद अब जो है अस्पताल के जो हॉस्टल के वार्डन है उनको हटा दिया गया है। उसके साथ ही आज पूरे दिन भर की बात करें तो पूरे दिन भर के अंदर जिस तरह का घटनाक्रम चला उसमें कमेटी ने जो पीड़िता छात्राएं थी और जो कल जिन्होंने अपने मुखर होकर के प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला था, उन सभी ने आज कमेटी के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया। और बयान दर्ज कराने के बाद में कई बड़े प्रशासनिक फैसले भी लिए गए हैं। उस प्रशासनिक फैसलों में सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया है कि रेजिडेंट जो है, महिला रेजिडेंट जो भी है, उन सभी को डे ऑफ दिया जाएगा। एक बड़ा फैसला ये लिया गया है। उसके साथ ही ये भी फैसला लिया गया है कि जो काम का बर्डन कल जो बताया गया था, उस काम का बर्डन को देखते हुए अब हर ईयर के स्टूडेंट के लिए वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उनका काम का मापदंड तय किया जाएगा, किस रेजिडेंट के पास क्या काम रहेगा। यानी कि जो कुल मिलाकर कल की जो घटना हुई है उसको लेकर के खुद एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन जो है वो स्तब्ध है। और आज पूरे दिन भर उस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अस्पताल में कवायद जारी रही कि किस तरह से इस पूरे मामले को वापस ट्रैक पर लाया जाए, किस तरह से रेजिडेंट जो कल मुखर होके जिन्होंने बातचीत की थी और मीडिया के समक्ष मुखर हो गए थे, फैकल्टी को लेकर मुखर हुए थे, अपने सीनियर्स को लेकर मुखर हुए थे, उसके बाद में सख्त मूड में अस्पताल कॉलेज प्रशासन जो है वो नजर आया। बिल्कुल, क्योंकि और देखिए, साक्षी के इस कदम के बाद अन्य बच्चियों की सुरक्षा करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कॉलेज प्रशासन की। विकास, बिल्कुल, देखिए कल जिस तरह का घटनाक्रम हुआ था, ये बड़ी संचार करने वाली घटना थी, जिसके अंदर की अस्पताल की जो व्यवस्था है, अव्यवस्था है, उनको देखते हुए रेजिडेंट्स ने मोर्चा खोला था। संभवतः पहली बार ऐसा मौका आया जब रेजिडेंट्स इस तरह से मुखर होकर के फैकल्टी और जो सीनियर रेजिडेंट्स उनके खिलाफ इस तरह का बयान जारी किया, खुल के सामने आ गए कि किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, किस तरह से उनको टॉर्चर किया जाता है, बदजुबानी की जाती है। इस तरह की जो बातें थी वो उन्होंने कल बताई थी, वो एक काफी, जिसको कह सकते हैं, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जो कि प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के अंदर एक काफी अच्छी रेपुटेशन जिसकी मानी जाती है, उसको लेकर के जो ये बयान आए थे उससे काफी छवि खराब हुई थी। उसी के बाद आज मेडिकल कॉलेज प्रशासन जो है पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आया। कमेटी ने हर पक्ष की जानकारी ली, उनसे रिपोर्ट ली, रिपोर्ट लेने के बाद में अब अलग तरह से व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए कई फैसले किए गए। जी बिल्कुल विकास, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। और इस